कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस, मैं डिम्पल ठाकुर आप सभी का अपने ब्लॉगिंग चैनल माउंटेन्स गर्ल डिम्पी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, आज हम लोग वृंदावन घूमने जा रहे हैं और हम लोग घर से निकल चुके हैं। 2 दिन इकट्ठे हमें हो चुके हैं और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा ब्लॉग स्टार्ट करने का। फिलहाल अभी हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके हैं, और हमारे घर से जैसे गुड़गांव से हमें वृंदावन पहुंचने में 4 घंटे लग जाते हैं, तो दो तीन घंटे हो चुके हैं और थोड़ा सा सफर बचा हुआ है। तो गाइज, मेरे साथ हैं विपिन और ये हैं जीजू और साथ में हैं दीदी। तो गाइज, यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हुए थे, काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो सोचा कुछ हल्का फुल्का खा के यहाँ से वृंदावन के लिए निकलते हैं। खाना खा के फिर हम यहाँ से वृंदावन के लिए निकल लिए। और गाइस, फाइनली हम वृंदावन पहुंच चुके हैं और यहाँ इतना प्यारा लिखा हुआ है, मेरो वृंदावन। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है वृंदावन में आके। और गाइस, हमने वृंदावन में एंट्री कर ली है और यहाँ पे लिखा हुआ है, वृंदावन में पधारने पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से सबको राधे राधे। तो गाइज, हम जो है वृंदावन पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम प्रेम मंदिर घूमने आए हैं। मंदिर में अभी सभी लोग घूम रहे थे, हमने सोचा आज रात हम भी प्रेम मंदिर घूम लेते हैं। तो 9 बजे यहाँ भी प्रेम मंदिर बंद हो जाएगा, जितना भी टाइम है हमने सोचा चलो यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सकता है उतना 9 बजे तक घूम लेते हैं। तो गाइज, ये है प्रेम मंदिर का एंट्री गेट। यहाँ से आपको प्रेम मंदिर के लिए एंट्री मिलती है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के लिए समर्पित है, और इस मंदिर को जगत गुरु कृपालू महाराज जी ने बनवाया था। और गाइस, यह मंदिर जो है 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था, और 17 फरवरी 2012 को यह जनता के लिए खोला गया था। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ प्रेम मंदिर का नाइट व्यू शेयर कर रही हूँ। हम लोग रात में पहुँचे हुए हैं, और रात का जो नज़ारा रहता है प्रेम मंदिर का, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है। दिन में भी जो है प्रेम मंदिर का व्यू बहुत सुंदर रहता है, पर रात को क्या होता है कि जो ये मंदिर में लाइटनिंग्स लगी होती है, इन लाइटनिंग्स की वजह से जो है प्रेम मंदिर की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो। तो गाइस, इस मंदिर में जो है लेज़र लाइट लगी होती है, जिससे कि हर 30 सेकंड के बाद मंदिर का कलर चेंज हो जाता है। तो गाइज, मंदिर के चारों ओर बहुत ही खूबसूरत झांकियां बनी हुई है, जिसमें आप श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को देख सकते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन धारण लीला, कालियानाग दमन लीला और झूलन लीलाएं देख सकते हैं। तो गाइज, जैसे ही हम प्रेम मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, तो मंदिर के सामने लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले जो झांकी नजर आएगी वो कालियानाग की है। तो गाइज, कालियानाग के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कालियानाग जो है गोकुल के पास रहने वाली यमुना नदी में आकर रहने लगे थे, जिससे कि पूरी यमुना नदी का पानी विषैला हो चुका था, और जिससे नदी में रहने वाले जितने भी जलीय जीव थे वो मरने लगे थे, और साथ में ही पशु पक्षी और गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे उनकी मृत्यु होने लगी। तो फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने जो है कालियानाग के साथ युद्ध करके कालियानाग पर विजय प्राप्त करी थी, जिसके बाद कालियानाग हमेशा के लिए यमुना नदी से दूर चले गए थे। लेकिन श्री कृष्ण के श्राप से कालियानाग पत्थर के बन गए थे, जो आज भी मथुरा से 5 किलोमीटर दूर जैव गांव में पत्थर के बने हुए मौजूद हैं। और गाइस, देखिए ये झांकी कितनी सुंदर बनाई हुई है।
तो गाइज अब हम नेक्स्ट झांकी की तरफ आ गए हैं। इस झांकी में बहुत दृश्य दिखाया गया है जिसमें श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते थे। तो गाइस अभी मंदिर बंद होने वाला है, बस मैं आपको थोड़ा सा गोवर्धन पर्वत का थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगी। फिर देखते हैं, अगर कल टाइम मिला तो दोबारा आ जाऊंगी। फिलहाल अभी मंदिर बंद हो रहा है तो जल्दी जल्दी में घूम रहे हैं। मैं तो कुछ भी लेकर चलूंगी, अब आगे मत घूमने का। तो गाइज ये झांकी गोवर्धन पर्वत की है जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको श्री कृष्ण और राधा की मनोहर झांकियां देखने को मिलेगी और इसमें आपको झूलन लीलाएं दिखाई देगी, बस अब मैं आपको उसी तरफ लेके आई हूँ। तो गाइस लाइट वगैरह बंद कर दी है पूरे मंदिर की पूरी, अब मंदिर क्लोज हो रहा है तो इसलिए अब हम जल्दी से जितना घूम सके घूम लिया। थोड़ा सा टाइम बचा था, मंदिर बंद होने वाला था, अब लाइट वगैरह बंद हो गई है प्रिय मंदिर की, तो अब हम भी यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। तो गाइस 9 बज चुके हैं, मंदिर की लाइट्स भी ऑफ कर दी गई है, अब हम सब यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और गाइस जैसे ही मंदिर की लाइट ऑफ करिए उसके बाद प्रेम मंदिर का व्यू कुछ इस तरह का है। तो गाइस मंदिर के बाहर आने के बाद हम अपने लिए रूम सर्च कर रहे थे, रूम तो हमें मिल गया। बट गाइस आप मेरा व्लॉग आगे कंटिन्यू देखें, आगे मैंने आपके साथ जो वे मंदिर का जो दिन का व्यू है वो भी शेयर किया हुआ है इसी व्लॉग में। तो गाइस जब हम इस बारी वृंदावन गए तो हम दिन में वे मंदिर नहीं घूम पाए, इतना टाइम हमारे पास नहीं था क्योंकि बाकी मंदिर भी घूमने थे। तो गाइस मैं वृंदावन इससे पहले भी 2-3 बार जा चुकी हूँ, तो जब हम पहले वृंदावन गए थे तो हमने प्रेम मंदिर दिन में ही घूमा था, तो उसी समय की मेरे पास कुछ पुरानी वीडियोस और फोटोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस ब्लॉग के थ्रू प्रेम मंदिर का दिन का और नाइट का व्यू दोनों देखें। Thank you.
आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखो, सेफ रहो और मुस्कुराते रहो। बाय।